57 आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ने एक चार्जशीट भी दाखिल की है। एमपी एमएलए कोर्ट में विजिलेंस ने चार्जशीट दाखिल की है। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं में ये चार्जशीट लगी है। इस चार्जशीट में सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों, सप्लायर्स के नाम शामिल। 15 सितंबर को मामले में सुनवाई होनी है। तो चलिए हम सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और उनसे जानेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। विवेक, जरा बैकग्राउंड के साथ समझाइए। जी स्नेहलता, देखिए 2007 से 2011 के बीच लखनऊ और नोएडा में कांशीराम के नाम पर और जो बसपा के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके नाम पर स्मारक बनाए गए थे और ये स्मारक, इसमें सैंड स्टोन की जो सप्लाई की थी उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया था। इसके बाद इस मामले में जब जांच कराई गई, लोकायुक्त से जांच कराई गई थी, लोकायुक्त ने एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें 1400 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का हस्तांतरण हुआ और गलत तरीके से हुआ, खरीद फरोख्त में कई गड़बड़ियां पाई गई। इसमें जो तत्कालीन मंत्री थे उस समय बाबू सिंह कुशवाहा, जो खनन मंत्री थे, उनका नाम आया था सामने और जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनका भी नाम आया था सामने। और इसके अलावा जो राजकीय निर्माण निगम जो संस्था है जो निर्माण कार्य कर रही थी स्मारकों का, उनके भी कई बड़े अधिकारी और जो इंजीनियर हैं वो शामिल थे। तो इस मामले की जब जांच हुई, लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट दी और घोटाले में बताया कि 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अनियमितता पाई गई है। उसके बाद 2014 में ही गोमती नगर थाने में विजिलेंस की तरफ से एक एफआईआर कराई गई थी। एफआईआर में नसीमुद्दीन का भी नाम है, बाबू सिंह कुशवाहा का भी नाम है। हालांकि जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें अभी इन दोनों का नाम नहीं है क्योंकि अभी साक्ष्यों की बात की जा रही है। नसीमुद्दीन और बाबू सिंह कुशवाहा से कई बार विजिलेंस पूछताछ कर चुकी है, उनको बुला के नोटिस दिए हैं, पूछताछ हुई है, लंबी पूछताछ हुई है। ठीक है विवेक, ये जनता का पैसा होता है, ये टैक्स का पैसा होता है जिसके हेर फेर की खबरें आती हैं और कौन कौन इसमें लिप्त है ये क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। विवेक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हादसे की खबर है। कार और ट्रक में टक्कर हुई है और इस हादसे में 5 लोगों की जान गई है, एक बच्चे की भी मौत हुई है। 2 महिला 2 पुरुष समेत एक बच्चे के मौत की खबर मिल रही है। हरिद्वार से गाजियाबाद आते समय यह हादसा हुआ है, 5 लोगों की जान गई है। दर्दनाक हादसे में 2 महिला 2 पुरुष और 1 बच्चे की जान गई है इस रोड एक्सीडेंट में। बाकी की जानकारी सहयोगी शक्ति से लेते हैं। शक्ति, बताइए कब हुआ यह हादसा, वजह पता चल पाई क्या? तो देखिए, देर रात का ये पूरा मामला है जहां पर जो परिवार हैं ये हरिद्वार से आ रहे थे और मसूरी थाना क्षेत्र पड़ता है मेरठ एक्सप्रेस वे पर, वहां पर एक रोंग साइड से जो ट्रक था वो रोंग साइड से आ रहा था। जो गाड़ी की स्पीड और ट्रक की स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा तेज थी और दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई और बड़ा हादसा हुआ जिसमें की 2 परिवार, 2 पति पत्नी सहित एक 1 साल के बच्चे की मौत हो गई और 2 बच्चे इस समय अस्पताल में भर्ती है। ये सभी लोग थाना इंद्रापुरम क्षेत्र के मगनपुर के रहने वाले और हरिद्वार से आते वक्त ये हादसा हुआ। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा है जिसमें कि 2 परिवार के पति पत्नी और एक साल का बच्चा जिसमें की मौत हो गई है और उसके बाद ट्रक चालक वहां से भागा तो दूसरा थाना क्षेत्र में कॉल हुई तो दूसरे थाना क्षेत्र में वही ट्रक चालक सहित उसको वहां गिरफ्तार कर लिया, उसको वहां पर बैठा लिया गया है। जी बिल्कुल शक्ति, देखिए रॉन्ग साइड से चलने की गलती जो है उसका खामियाजा 2 परिवार भुगत रहा है, 5 लोगों की जान गई है। देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है ट्रक चालक के साथ। आपका शुक्रिया शक्ति।